चतरा जिले में अब श्वेत क्रांति का असर दिखेगा तथा राज्य में चेंबर ऑफ फार्मर्स का गठन कर किसानों के आत्मसम्मान की रक्षा की जाएगी। चतरा को राज्य में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके, इस ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को ले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के अलावा जिले में अन्य मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किसानों व दुग्ध उत्पादकों को इसका भरपूर फायदा दिलाने की दिशा में सरकार काम कर रही है और इसे आगामी बजट सत्र में शामिल भी कर लिया जाएगा। दरअसल झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख चतरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद कल देर शाम स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। श्री पत्रलेख कल पूरे दिन जिले के टंडवा, सिमरिया तथा इटखोरी में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहली बार चतरा आए थे। इस मौके पर जहां उन्होंने प्रखंडों में ध्यान अधिप्राप्ति केंद्र का विधिवत उद्घाटन कर केंद्र की शुरुआत की, वहीं कल शाम चतरा के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों के बीच विभिन्न कृषि यंत्रों के अलावा कपड़े आदि का भी वितरण किया। इस मौके पर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता व उपायुक्त दिव्यांशु झा के अलावा अन्य कई लोग मौजूद थे। 4 साल और किसानों के लिए विरसा किसान, विरसा गांव, कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति, सब्जियों के MSP तय किए जाएंगे और चैम्बर ऑफ फार्मर्स आपको देखने को मिलेगा जो किसानों के आत्मसम्मान को बढ़ाएगा। बीज उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता राज्य की होगी, उसके भी हम उपाय कर रहे हैं। कल कृषि ऋण माफी के साथ हमने 355 करोड़ का मुख्यमंत्री पशुधन योजना लोगों के लिए समर्पित किया। यह योजना पहले BPL महिलाओं को अनुदान पर गाय मिलती थी, लेकिन अब BPL के साथ साथ APL महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे कवरेज बढ़ेगा। चतरा आने का प्रयोजन चतरा को देखना, समझना और यहाँ जो पोटेंशियल है कृषि के क्षेत्र में आगे जाने का। डेयरी फार्म जो है जो चतरा के लिए बहुत अहमियत रखता है, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का हम काम करेंगे। उसकी मान्यता पूरे देश की स्तर पर होगी, उसके हम प्रबंध कर रहे हैं। एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो चतरा का तकदीर और तस्वीर को बदलेगा, माननीय मंत्री जी ने मांग किया है, मैं इस बजट में इस बात दे रहा हूँ। ये धीरुबाऊ का भी मांग था, ये यहाँ के आमजनों का भी मांग था, उसको हम पूरा करने का ये देता है। और जो कोल्ड स्टोरेज मेरा निर्माणाधीन है, उसकी समीक्षा करने का निर्देश यहाँ के उपायुक्त को दिया है।